हाँ ओके देन तो मुझे पूछना था कि ये जो जो बैक की न्यूज आ रही है, जी आपको क्या लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा? मैं बहुत एक्साइटेड और मुझे कुछ होने वाला है। बोलिए बोलिए। क्रिप्टो मार्केट को जो प्राइस गिरती है तो उसको काफी सीरियसली लेते हैं, आपको क्या लगता है? को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जो 1 मिनट पे होता है वो 1 मिनट में नहीं होता है। एक मिनट में होता है फिर 1 मिनट में नहीं होता, कहना क्या चाहती हो आलिया? पॉजिटिव रहना आसान नहीं है, बस यही था। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ 4 से 5 मिस्टेक्स के बारे में, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जो काफी लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी स्पेस में करते हैं, और मैंने भी कुछ मिस्टेक्स किया है। और ये जानना जरूरी है कि मिस्टेक्स करना इज ऑल फाइन, मिस्टेक हो सकता है, बट सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मिस्टेक से सीखा कैसे जाए। और मैं इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं ताकि ये मिस्टेक्स अगर लोगों को पता रहेगा तो शायद ये मिस्टेक वो ना करें। तो सबसे पहला जो मिस्टेक जो मेरे लिस्ट में है वो है नॉट बाइंग बिटकॉइन एज योर फर्स्ट क्रिप्टो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन स्पेस में आते हो तो आपका जो पहला क्रिप्टो है वो बिटकॉइन होना चाहिए। जो पहला आपका इन्वेस्टमेंट जा रहा है, जो पहली बाइंग हो रही है वो बिटकॉइन की होना चाहिए। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो कुछ ऐसे टोकन्स बाय करते हैं जिनकी वेबसाइट एक दो महीने में उड़ जाती है, कोई पॉन्जी टोकन होता है या फिर हो सकता है कोई ऑल्ट कॉइन हो जो बहुत हाइप्ड हो। बट मेरा स्ट्रांगली मानना है कि आपका जो पहला क्रिप्टो है वो बिटकॉइन होना चाहिए। और ये कॉमन सेंस की बात है, अगर देखा जाए तो बिटकॉइन का ये मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, बिटकॉइन सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग क्रिप्टो, सबसे पहला क्रिप्टो 10 साल से बिटकॉइन है। तो आपको बिटकॉइन की प्राइसेस की हिस्ट्री है आपके पास, राइट? और उसके अलावा अगर बिटकॉइन है तो बिटकॉइन एक ग्लोबली ट्रेडेड क्रिप्टो है, तो एटलीस्ट आपको भले प्राइस में ऊपर नीचे हो सकता है बट एटलीस्ट ऐसा नहीं होगा कि आपका 100% लॉस हो जाएगा, राइट? सो आई थिंक सबका सबसे पहला क्रिप्टो बिटकॉइन होना चाहिए। और उसके जब आप बिटकॉइन सीखते हो तो जो भी उसके आगे का आप क्रिप्टो सीखने जा रहे हो तो आपको एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, आपको एक नॉलेज मिल जाता है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या, और फिर आप सारे क्रिप्टोज आप उसको कंपेयर करने लगते हो। तो आई थिंक सबसे पहला आपका क्रिप्टो बिटकॉइन होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा सेफ्टी हो। मे बी ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगता है इस 5 मिस्टेक्स में, एंड जो काफ़ी लोग मिस आउट कर देते हैं। नंबर 2 मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं इज गोइंग ऑल इन एट वंस। काफ़ी लोग इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं पहली बार में ही कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है अगर उनका ट्रेड और उनका अगर इन्वेस्टमेंट सही ना हो। सही डिसीजन ये होना चाहिए कि आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो चीज़ें, जब आप खुद सीख रहे हो तो आपका इन्वेस्टमेंट मे बी 2%, मे बी 5%, मे बी 10% ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपके इन्वेस्टमेंट ना होना चाहिए। भले आपको कोई बोले कि 100x होने वाला है कोई चीज़ या 50x होने वाला है, भले बिटकॉइन ही क्यों ना हो, किसी भी प्राइस पॉइंट पे आप हमेशा किसी को 100% एंट्री नहीं मारना चाहिए। तो जितना भी उनके पास इन्वेस्टमेंट करना है उसका 5% या 10% ही करना चाहिए, उसके कई सारे फायदे हैं। सबसे पहली बात, आपका अगर कुछ गड़बड़ होता है तो पूरा लॉस नहीं होता, आपका बहुत मिनिमल अमाउंट लॉस होता है। सेकेंड चीज, आपको मल्टीपल प्राइस पॉइंट मिलता है एंट्री करने के लिए, कभी $5,000, कभी $6,000, कभी हो सकता है प्राइस गिरे तो $4,000। मैं पहले की बिटकॉइन की हिस्ट्री बता रहा हूँ, या अभी फिलहाल की बात करो जैसे कि 8,000 है, हो सकता है 7,000 चला जाए। सो आई थिंक मल्टीपल प्राइस में एंट्री करना बहुत ज़रूरी है, और ऑल्सो 100% ऑल इन नहीं जाना चाहिए, स्पेशली जब आप कुछ चीज़ें अपनी नई सीख रहे हो और अभी अभी आपको पता चली है। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट तो वैसे भी बहुत वॉलेटाइल और रिस्की है, तो 100% इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करनी चाहिए, हमेशा छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ हो तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। तीसरी चीज़, स्ट्रैटेजी। काफ़ी लोगों को नहीं पता है कि इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। काफ़ी ऑल्ट कॉइन्स या बिटकॉइन बाय करते हैं, उनकी उम्मीद रहती है कि प्राइसेस ऊपर जाएगा, प्राइसेस गिरती है, पैनिक होते हैं, पैनिक सेल करते हैं और लॉस हो जाता है। बाद में कहते हैं कि बिटकॉइन वॉलेटाइल है, मार्केट सही नहीं है, मैनिपुलेशन है, पॉन्जी स्कीम है और क्या क्या बोलते हैं।
आई थिंक आपका स्ट्रैटेजी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी एसेट बाय कर रहे हो, चाहे बिटकॉइन हो चाहे ऑल्टकॉइन हो, आप लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बाय कर रहे हो या ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हो। ट्रेडिंग के लिए बाय कर रहे हो तो ऑफकोर्स आपका शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, मे बी 1 मंथ में आप एग्जिट करना चाहते हो, 2 मंथ में एग्जिट करना चाहते हो, मे बी 6 मंथ में एग्जिट करना चाहते हो, बट वो स्ट्रैटेजी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कुछ ऑल्ट कॉइन या बिटकॉइन डालने के पहले कि मैं ट्रेड कर रहा हूँ या इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों अलग अलग चीज़ है। ट्रेडिंग के लिए आपको स्किल आनी चाहिए। नंबर 4, ट्रेडिंग विदाउट एक्सपीरियंस। काफ़ी लोग जो क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को है स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस, उन्होंने ट्रेडिंग किया हुआ है, बट मोस्टली लोगों को कोई एक्सपीरियंस ट्रेडिंग का नहीं है। और ऐसी हालत में जब आपके पास ट्रेडिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसी हालत में क्रिप्टो में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की हो जाता है। इनफैक्ट जिन्होंने पहले ट्रेड किया है वो क्रिप्टो मार्केट को समझ नहीं पाते क्योंकि इतना वॉलेटाइल है। तो बिना एक्सपीरियंस के ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, इसमें सारे आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट है वो गंवा सकता है। तो कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हो, तो सबसे पहले ऑब्वियसली आप सिमुलेटेड ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे एक्सचेंजेज है जहाँ पे आप डमी अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और वहाँ पे आपको रियल मनी से आप ट्रेड नहीं कर रहे हो बल्कि डमी अकाउंट से ट्रेड कर रहे हो, तो वहाँ से आप कुछ सीख सकते हो। और दूसरी चीज़ ऑफकोर्स, जब आप एक्चुअल मनी से आप ट्रेड करना जा रहे हो तो अमाउंट छोटा रखो ताकि लॉस हो तो पूरा लॉस ना हो। तीसरा चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में, स्टॉप लॉस। तो आपको कितना लॉस होना है ये हमेशा आपके कंट्रोल में होता है, इवन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो मेरा ख्याल है कि जो भी ट्रेडिंग कर रहे हो हर एक को स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। एंड पांचवा और जो लास्ट पॉइंट है वो फंड को लेके है। तो काफ़ी लोग एक ही एक्सचेंज पे सारा फंड रखते हैं। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा कि एक एक्सचेंज पे आपको फंड रखना ही नहीं चाहिए। एक्सचेंजेस सिर्फ ट्रेडिंग के लिए होता है, फंड रखने के लिए नहीं होता है। और इसके लिए मैंने वॉलेट कैसे बनाते हैं उसके लिए मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसको आप देख सकते हो कि कैसे आपको क्रिप्टो करेंसीज आपके खुद के वॉलेट में रख सकते हो और प्राइवेट की आपके पास रहेगा और रिस्क कम हो जाता है एज लॉन्ग एज आपने उसके पासवर्ड्स और सीड फ्रेज अपने पास रखे हैं। बट अगर आपको एक्सचेंजेस पे भी रखना है तो एक्सचेंजेस आपको हमेशा मल्टीपल यूज़ करने चाहिए, सिर्फ एक एक्सचेंज के भरोसे नहीं होना चाहिए। कल को उस एक्सचेंज को कुछ भी हो गया तो आपके सारे फंड जा सकते हैं। काफ़ी लोग ने, जैसे क्रिप्टोपिया का एग्जाम्पल हो गया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे लोगों ने एक एक्सचेंज को ट्रस्ट करने की वजह से पूरा का पूरा फंड गंवाया है। तो सबसे पहली बात, एक्सचेंजेस पे फंड कम होने चाहिए और मल्टीपल एक्सचेंजेस, ट्रस्टेड एक्सचेंजेस आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि कुछ नया एक्सचेंज जिसके बारे में कोई कंपनी नहीं, कुछ पता नहीं, उस पर भी आप फंड रखते हो तो ये काफ़ी रिस्की हो सकता है, और इस तरह से अपना फंड सेफ रखो। तो ये 5 पॉइंट समराइज प्लीज़। फर्स्ट, हमेशा पहला क्रिप्टो बिटकॉइन होना चाहिए, कोई भी टोकन नहीं, क्योंकि बिटकॉइन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ से। नंबर 2, आपका डोंट गो ऑल इन एट एनी प्राइस। हमेशा 100% इन्वेस्टमेंट मत करो, कुछ थोड़े से स्टार्ट करो और सीखो। तीसरा चीज़, आपकी स्ट्रेटजी क्लियर करना चाहिए कि आप क्रिप्टो में आ रहे हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हो या ट्रेडिंग के लिए आ रहे हो, ये पहले दिमाग में होना चाहिए आपके। चौथा चीज़, ट्रेडिंग करने जा रहे हो तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ ट्रेडिंग करनी चाहिए और सीखने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो TA, काफ़ी ट्रेडर्स जो TA करते हैं उस पर डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। और पांचवा चीज़, एक्सचेंजेस अपने फंड के साथ किसी एक एक्सचेंज को ट्रस्ट मत करो, हमेशा मल्टीपल एक्सचेंजेस यूज़ करो और फंड्स हो कम से कम एक्सचेंजेस पर रखो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वॉलेट में रखने की कोशिश करो। तो ये 5 पॉइंट्स, ये 5 मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं। एंड लेट मी नो कि आप कुछ ऐड करना चाहते हो जो मैंने कवर नहीं किया है और आपने कुछ लोगों को देखा है जो ऐसे मिस्टेक किए हैं, कमेंट में डेफिनेटली बताना। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू।